माथा कर गया लाडले। मन छोड़ के बिगड़ गया लाडले, मेरी गलिया तो खा कर गया लाडले। मुझे इस बात का गम नहीं कि तू मुझे छोड़कर चला गया, मुझे इस बात का गम है अरे मन तेरा कसूर के करा था तू तो बता दे। बेटे मेरी ममता में कड़े कमी रह गिरे, मेरे प्यार में कहाँ कमी रह गिरे, क्या मेरी परवरिश में कहीं कोई कमी रहेगी? बेटा मैंने तो तेरे साथ कोई छड़ दगा नहीं करा, बड़े प्रेम से तेरा लालन पालन करा, लेकिन बेटा तेरे कुछ भी याद नहीं आया। एक घर था सर छुपाने के लिए मेरे पास, मैंने वह छत भी नहीं छोड़ी मेरे सिर के ऊपर, उस घर ने भी पेच खा गया, इन आखा के आंसू आने साफ करने वाला भी धरती पर कोई नहीं था दूसरा। मेरा हिसाब से तेरा खेल बन रहा था, तू ठोक कर मार के मेरे खेल में खेल आ गया। नंबर दो पर बूढ़ी माता रोन लागी, लोगो क्या कहने लगी, तेरा पुरुषा टूट गया Oh!
कितनी प्यारी है, कितनी अच्छी है। नहीं, मैं नहीं मानता धरती पर मां से प्यारा कोई हो सकता है, मां से ज्यादा प्रेम धरती पर कोई कर सकती है अपने बच्चे को। सारे प्रेम मैंने बंद कर देख लिए लोगों। 30 साल का हो गया मैं किसी का बेटा भी हूं, मैं किसी का भाई भी हूं, मैं किसी का पति भी हूं, रात में किसी का बाप भी हूं, मगर इतना प्रेम जितना प्रेम एक मां अपने बच्चे को करती है। सारे 4 रिश्ते बनते आदमी के, चारों मैंने भोग के देख लिए। मेरे बालक भी मैंने इतने प्यारे को लग रहे, जितनी प्यारी या लग गया करती रात भी लग गए लोगों। घनघरी लुगाई खड़ी होकर कहेंगे, बेटा रो ना, रही तेरी माँ, आपका प्यार सर आंखों पर, आप मेरी माँ जैसी है, लेकिन आप पेट की आग तक को न बुझती। प्रोग्राम मत जा करता चंदे कोटिया में बढ़ जा करता बाज कर सर पुचका रहा कि तेरे मेरे बच्चे आ जा रहे। सर ताता बड़ा है बेटा, बनाऊंगा ला के ना गा कर मेरे बच्चे, घी गेड़ का दूध में उबाल कर जब प्यार करती बेटे, सारी रात खड़ा रहा है मेरा बच्चा। लोगों आज वो प्रेम नहीं है। फोटो ला रखी माँ की, जैसे हमारी इस माँ की फोटो है, श्याम में जाकर नमस्ते करूंगा, राम राम माँ, आ गया मैं प्रोग्राम में। लोगों वह फोटो नहीं हुआ, यहाँ से जा है ना कदे कोई रिस्पॉन्स आंदा, प्रश्न करता हूँ उत्तर नहीं मिलता मुझे उस फोटो से। लोगों टेम पर सारी चीज याद आवे, मेरा मकसद नहीं आपको रुलाना, और ये कोई कला नहीं है। मेरे आंसू आते, बहुत सारे मूर्ख लोग कहते हैं रामधन बड़ा कलाकार है, लोगों को रुला देता है, मूर्खो रोना रुलाना कोई कला नहीं है। मेरे भीतर में दर्द सर है, जिसका खेल बने उसने मेरा लाग लगा रहा, जिसका लाग है वो ही जाने, बिन लागे पता कौन बिछाने। लोगो ये कोई कला नहीं, ये दर्द है, और ये दर्द ऐसा है सारी उम्र, जब मैं करोड़पति हो जाए और वो खरबोपति हो जाए, मेरा कोई कमी ना हो, लेकिन या कमी कदे पूरा को पूरी को ना हो। अगर आवाज आग होंगी ना करो से छाती पटन हो जाए, मेरा बेटा है रामधन। लेकिन बेचारी गरीब भी माई थी, गरीब भी मैं चली गई, ये गम होता है। एक माँ अपने बच्चे को इतना प्रेम करती है, आज कलयुग की काली करतूत कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, और इसकी बतुआ कभी टाली नहीं जाती। बर्तन मांझ कर भी 3-4 बेटों को पाल लेती है एक माँ, मगर अफसोस 3-4 बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती है। लोगों कलियों की काली करतूत है। छोटे छोटे बाण भाई होंगे ना, आपस में लड़ेंगे बालकपन में, ना माँ मेरी है तेरी को ना मेरी है, और जब वह माँ बूढ़ी हो जाएगी ना, फिर उसने धक्के मारेंगे, ना माँ तेरी है मेरी को ना तेरी है, फिर उसने धक्के मिला ना, जब 2 रोटियां का भी सुख नहीं रहता उस माँ बाप को। की बात भाई, यूं है जब मैं माँ बाप बेटा बेटी ने बुढ़ापा में तम कितने ठोकर मार दे रहा हूँ, बेचारे धक्के खाओ। लोगो ये न्याय नीति नहीं है। आप कितना भी पैसा कमा लें, आप गलत रास्ते पर हैं, ठीक कीजिए अपने रास्ते को, अपनी सोच को ठीक कीजिए। वह बूढ़ी मानो के लगी रे, जब छोटा सा था 2 अंगुल का, मैं जिस बिस्तर पर सोया करती एक साइड ने गिल्ली कर दिया करता, मैं उस गिल्ले में सो जाती, इतना सूखे में सोया करती, मगर जब दूसरी साइड भी गिल्ली कर दिया करता बेटे, पूरी रात उस गिल्ले में मैं सोया करती, इतना अपनी छाती पर सोया करती। सब एक ही भूल गया, किसी बंदे ने बड़ी गजब की बात कही है कि जब छोटा था तो माँ की सैया भी नहीं रखता था। सैया का मतलब होता है बिस्तर, कि जब छोटा था तो माँ की शैया गीली रखता था, और आज जब तू बड़ा हो गया है तो माँ की आंखें गीली रखता है। ऐसा तुझे माँ को गीले में रखने की आदत सी हो गई है। लोगो जिसने भी माँ का मान मारे ना, सबका नाश होगा, उसका लिख लिया बुढ़िया माता बिखर गई, न बोली सारे एहसान, सारे प्रेम लाड ममता सब एक ही में भूल गया, कुछ भी याद नहीं आया, मेरा एहसान भी भूल गया। मैं चाहती तो दूसरी शादी कर सकती थी, मगर मैंने नहीं सोचा 2 साल का तेरा बेटा है, कदे 22 साल का भी होगा, जवान हो जाएगा, ब्याह कर दूंगी तेरी जिंदगी बनाने के लिए, मैंने सब कुछ बेच कूच दिया, मगर तने एक पल भी ये नहीं सोचा कि तू क्या कर रहा है। नंबर 3 पर बुढ़िया माता बिलखन लगी, की गलत
हो सकता है मैं तुम्हारा आपके बीच आऊं या ना आऊं, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। आजकल मेरी सोच बदल चुकी है। मेरे साधन ने भी नुकसान कर मास्टर जी इसी बात ना कहा करो मखा भाई, जिंदगी का एक मिनट का भी भरोसा नहीं है। सच कहता हूं, मेरा पुत्री मेरा दिमाग पलट चुका है। गाड़ी घोड़ा में चला की बराबर एक्सीडेंट की बरा की हो जा, मैं तो जिंदगी का एक मिनट का भरोसा नहीं मानता। लोगों की बरकत क्यों होनी हो जाए। इसलिए एक चीज मन में बैठा रखी है, इतने जीऊंगा लोगों ने जागृत करूंगा। मेरे हिस्से में जितने लोग आओगे कम से कम उनको तो जागृत मैं कर ही सकता हूँ। दुनिया को तो मैं नहीं बदल सकता, मगर मेरे अधिकार क्षेत्र में जितने लोग हैं उनकी बुद्धि तो मैं पलट ही सकता हूँ। इतना हक तो मेरा बढ़ता ही है, और आदमी को हक है कम से कम अपने हिस्से का दिया तो जलाओ, थोड़ी बहुत रोशनी तो होगी कम से कम। अंधेरे को कोसने से बेहतर है अपने हिस्से का दिया जलाया जाए। जीवन लंबा नहीं, जीवन बेहतर होना चाहिए। भले ही 30 साल की उम्र में चपक दे राम थाने को गम को जा राजी होकर भगवान का दरबार में जागा कि लोगों ने जगा के आओ, गलत काम नहीं करा लोगो। आज का सार, आज के जागरण का सार लिख लियो, अब आप कुछ भी गाओ, मगर मेरी विनती है जोड़ी करके एक चीज मांगता हूँ। जितनी मेरी बहनें मेरी माताएं चाचे ताऊ भाई बैठे, जिंदगी में कभी भी बड़े बुजुर्गों का माता पिता का तिरस्कार मत करना, वरना नरक में कीड़ा की कूट में भी जगह नहीं मिलेगी। लिखने वाले नंबर 4 पे मन के भाव लिखे। बोलिए जननी माई की सच्चे दरबार जय। आदि में काटे मुलुम भाई सोमवीर मांझी का धन्यवाद। 42 बजा दे।